फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग के 8 की प्रिंसिपल्स हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप अपनी बॉडी को एक बेहतरीन शेप में ला सकते हैं और अपना बेस्ट फिजिक आप पा सकते हैं, और उन 1% लोगों में आप आ सकते हैं जो कि अपनी बॉडी को एक मस्कुलर और अट्रैक्टिव लुक दे पाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर हर इंसान बेहतरीन शेप अपनी बॉडी को देना चाहता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग मसल बिल्डिंग की बहुत सारी बातों को जानते होंगे। पर सही बात यह है कि ज्यादातर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इस बात को लेकर कि किस तरह से अपने मसल्स की ग्रोथ तेजी से की जा सकती है। तो भले ही आप एक पतले इंसान हैं जो कि मस्कुलर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक ओवरवेट पर्सन हैं जो कि अपने वेट को कम करके रिब्ड और मस्कुलर बनना चाहते हैं, और भले ही आप एक टीनेजर हैं या फिर एक एडल्ट हैं, इस वीडियो को पूरा देखकर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप एक ऐसा फिजिक कैसे पा सकते हैं जिसके लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी और ट्रेनिंग वॉल्यूम जैसी चीजें, और इसके अलावा आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस तरह की सभी जरूरी चीजें इन 8 मसल बिल्डिंग की प्रिंसिपल्स में आपको मिलेंगी, जिससे कि ज्यादातर सभी लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करने में मदद मिलती है। तो नंबर 1 है बी कंसिस्टेंट, यानी कि बिना बीच में छुट्टियां करे लगातार जिम जाते रहना या फिर घर पर ही वर्कआउट करते रहना। तो जो लोग काफी टाइम से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बॉडी बनाने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी फिजिक पाना चाहते हैं तो आपको हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेज करने की जरूरत होती है, और शुरू के 6 महीने आपको रिजल्ट काफी लेट मिलते हैं एक्सरसाइज करने पर, लेकिन तब भी आपको कंसिस्टेंसी बनानी काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर शुरू के 6 महीने में लोग अपनी बॉडी में काफी कम चेंजेस देखते हैं, यानी काफी कम ग्रोथ देखते हैं। तो इस वजह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, इसीलिए चाहे आप कितना भी ज्यादा थके हुए हों या आपका मन ना कर रहा हो, तब भी आपको रोजाना एक्सरसाइज जरूर परफॉर्म करनी चाहिए, और आपको तब तक कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते रहना है जब तक कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने लगे। और इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स को जरूर नोट कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, अपने जिम की टाइमिंग ऐसे टाइम पर सेट करें जिस टाइम में आप बिल्कुल फ्री रहते हो। नंबर 2, अपने वर्कआउट का शेड्यूल बनाएं। आपको अपने वर्कआउट का पूरा शेड्यूल बनाए रखना है कि किस दिन आपको कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। नंबर 3, जब भी आपका जिम जाने का मन ना कर रहा हो, तब आप 5 मिनट घर पर ही वार्म अप जरूर परफॉर्म कर लें। ऐसा करने से आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आ जाएगी और आपके अंदर जिम जाने की मोटिवेशन भी आ जाएगी। की प्रिंसिपल्स में पॉइंट नंबर 2 है, आपको अपनी डाइट में मैक्रोस को ऐड करना है, यानी आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट अपनी डाइट में अच्छे तरीके से लेना है, और अपनी डाइट में इस तरीके से फूड्स ऐड करें जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा मिले। और अगर आपका बॉडी वेट कम है, तब आप अपनी डाइट में कैलोरीज जितनी अब ले रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज लेने की कोशिश करें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको वेट गेन करना है, तो अगर आप इस टाइम अपने बॉडी के हिसाब से 3000 कैलोरीज पर डे अपनी डाइट में ले रहे हैं और आपको अपना हेल्दी वेट गेन करना है, तब आपको रोजाना 500 से 800 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होती है, यानी 3500 से 3800 कैलोरीज रोजाना आपको लेनी चाहिए। और अगर आपको अपनी बॉडी से वजन कम करना है, तब आपको कैलोरी डेफिसिट में रखनी होती है, यानी कम कैलोरीज लेने की कोशिश आपको करनी है, और अपनी डाइट में 30-40% प्रोटीन, 20-30% कार्बोहाइड्रेट्स और 15-20% हेल्दी फैट्स लेने की कोशिश आपको करनी है। क्योंकि रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर आपको ज्यादा भूख लगती है और आप ज्यादा खाते हैं, तब आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन लेते हैं, तब आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। तो प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में पनीर, चिकन, फिश और नट्स को ऐड कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बूस्ट योर मोटिवेशन विद दिस ट्रिक। फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी गोल पर टिके रहने में और किसी भी गोल को हासिल करने में आपकी मदद करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्कआउट शुरू करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, और कुछ टाइम बाद ही वो वर्कआउट करना या जिम जाना छोड़ देते हैं। और लोग ऐसा इसीलिए करते हैं कि या तो उनकी बॉडी ग्रो नहीं होती या फिर बहुत हल्की स्पीड में ग्रो होती है। पर क्या आपको पता है कि आपकी मोटिवेशन आपके दिमाग में बनने वाले फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ी होती है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को ही डोपामिन कहते हैं। और जितने भी हाईली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हुए हैं, वो डोपामिन को अपने माइंड में हिट करने के लिए और डायरेक्टली मोटिवेशन के लिए एक चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि है म्यूजिक। फ्रेंड्स, स्टडीज के मुताबिक म्यूजिक आपको ज्यादा मुश्किल काम को करने के लिए और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे अलग, म्यूजिक आपके मूड को बेहतर बनाता है, और सिर्फ डोपामिन ही नहीं बल्कि एंडोर्फिन भी आपके दिमाग में रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हुए म्यूजिक सुनते हैं। तो अपने फेवरेट गानों की लिस्ट बनाइए जो कि आपको वर्कआउट करते हुए
मोटिवेट कर सकें। और म्यूजिक को सुनते हुए जब आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो सिर्फ गानों पर ही ध्यान ना दें, बल्कि इस मोटिवेशन से हार्ड वर्कआउट और ज्यादा बेहतर तरीके से वर्कआउट करें। पॉइंट नंबर 4, हैव इंटेंसिव वेट ट्रेनिंग। अच्छी फिजिक पाने के लिए और लीन मसल मास बढ़ाने के लिए आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन हैवी वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल टिश्यूज ज्यादा अच्छे से ब्रेक हो सकें। क्योंकि जब आपके मसल के टिश्यूज ज्यादा ब्रेक होते हैं तभी रिकवरी प्रोसेस में ज्यादा थिक और स्ट्रांग होकर रीबिल्ड होते हैं और ज्यादा मसल मास आपका गेन होता है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान आपको हैवी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी जरूर परफॉर्म करनी चाहिए। और जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें तब आपको पूरा फोकस हर एक एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करने पर देना चाहिए और आपको केबल्स और मशीन वाली एक्सरसाइजेज करने से ज्यादा बारबेल और डंबल से परफॉर्म की जाने वाली एक्सरसाइजेज ज्यादा परफॉर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। और एक और जरूरी बात कि आपको अपना 100% लगाकर ही वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि उससे कम सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी होती है। और इसीलिए परफॉर्म करने के लिए सही एक्सरसाइजेज को सिलेक्ट करना भी काफी जरूरी होता है, जो कि हमें लाता है हमारे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि है डू मोर कंपाउंड एक्सरसाइजेज एंड फीवर आइसोलेशन मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, हार्ड ट्रेनिंग करना अच्छा होता है पर वर्कआउट के मामले में स्मार्ट बनना भी जरूरी होता है। तो अगर आपको अपने मसल्स को बड़ा बनाना है तो इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और स्ट्रांग बनने के लिए आपको मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेज ज्यादा परफॉर्म करनी होगी और सिंगल ज्वाइंट आइसोलेशन एक्सरसाइजेज कम परफॉर्म आपको करनी होगी। फ्रेंड्स, मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें करने पर एक साथ आपके काफी सारे मसल्स ट्रेन होते हैं, और सिंगल ज्वाइंट आइसोलेशन एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें करने पर आपका सिर्फ एक मसल पार्ट ट्रेन होता है। तो मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के फायदों में एक बड़ा फायदा यह है कि इनमें आप ज्यादा हैवी वेट के साथ ट्रेन करने में बेहतर बनते हैं और इससे आपके काफी सारे मसल्स एक साथ काफी स्ट्रांग और मस्कुलर बनते हैं। यानी कि मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस करने से आप तेजी से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मस्कुलर बनते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल ज्वाइंट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करने के अपने फायदे होते हैं पर ज्यादा सिंगल ज्वाइंट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस सीरियस बॉडी बिल्डर्स के लिए होती हैं और जिनके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है के लिए होती हैं। तो आपको सिंगल ज्वाइंट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म तो जरूर करना है पर ज्यादा अमाउंट में आपको मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। और मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस में आपको सबसे ज्यादा डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पावर क्लींस, क्लीन एंड जर्क, अपर बॉडी के लिए बेंच प्रेस, डिप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, शोल्डर प्रेस, लेग्स के लिए स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स और लंजेस जैसी मल्टी ज्वाइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस को जरूर परफॉर्म करना है। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर ट्रेनिंग वॉल्यूम। यानी कि आपको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, हर एक एक्सरसाइज की एक ट्रेनिंग वॉल्यूम होती है और ट्रेनिंग वॉल्यूम को लोड को नंबर ऑफ सेट और रेप्स से मल्टीप्लाई करने पर निकाला जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज अगर आपको करनी है तो आपको ज्यादा सेट परफॉर्म करने होंगे, और इसमें ये भी शामिल है कि आप कितनी देर तक एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और अगर आप अपने वर्कआउट में सुपर सेट या फिर जायंट सेट को इंक्लूड करते हो तो इससे भी आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाने से आप तेजी से अपनी मसल्स गेन करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ट्रेनिंग वॉल्यूम को सिंपल करके अगर आपको बताया जाए तो अगर 2 सेट आप हर एक एक्सरसाइज में परफॉर्म करते हैं तो अब से 3 सेट परफॉर्म करने की कोशिश करें, और अगर किसी सेट में 9 से 10 रेप्स आप निकालते हैं तो अब से 12 से 13 रेप्स निकालने की कोशिश करें, और अगर किसी एक्सरसाइज में 10 किलो वजन आप उठा रहे हैं तो 12 किलो वजन उठाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग वर्कआउट। यानी वर्कआउट के दौरान हमेशा अपना पूरा ध्यान एक्सरसाइज की तरफ ही आपको रखना है, और अगर आप एक्सरसाइज के दौरान अपना आखिरी रैप परफॉर्म कर रहे हो तब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग जब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तब अपने दिमाग में कुछ और सोचते हैं और फिर एक्सरसाइज करते करते ही रैप की संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सेट शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग को सिग्नल देना है कि आपको इस सेट के दौरान कितने रैप्स परफॉर्म करने हैं। और दूसरा, जिस भी एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर रहे हो पूरा ध्यान आपको उस एक्सरसाइज पर ही देना है। यानी अगर आप बाइसेप मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तब आपका फुल फोकस अपने बाइसेप पर ही होना चाहिए। ये पॉइंट सुनने में आपको काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कुछ टाइम ऐसा करके देखेंगे तब आप अपने मसल्स पर काफी अच्छा इफेक्ट आता हुआ देखोगे। इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि किसी दूसरे पर्सन को देखकर आपको उसकी तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना, और ना ही जितना वेट वो पर्सन ले रहा है उतना वेट लेने की कोशिश आपको करनी है, और आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही एक्सरसाइज और रैप्स निकालने हैं, और उतना ही वेट आपको लेना है जितने वेट के साथ उस एक्सरसाइज को आप सही से परफॉर्म कर पाएं। और एक्सरसाइज के दौरान आपको किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन की चीज को अपने पास नहीं रखना, चाहे तो आप अपने फोन को भी लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन जैसा हमने अभी आपको ऊपर बताया कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, तब ऐसे में अगर आपको अपने फोन की जरूरत पड़े तब आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, पर किसी दूसरी वजह से आपको अपने फोन का इस्तेमाल एक्सरसाइज के दौरान नहीं करना, और आपको पूरे फोकस और कंसंट्रेशन
टाइम के साथ वर्कआउट करनी है। पॉइंट नंबर 8, लेट योर बॉडी रिकवर, यानी ये सारे पॉइंट तो आपने ठीक से फॉलो कर लिए, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं दोगे तब ये सारे पॉइंट आपके लिए बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और जिस मसल पार्ट की एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो, तब उस मसल पार्ट के टिश्यूज डैमेज होते हैं और फिर सही न्यूट्रिशन वाली प्रॉपर डाइट और एक सही रेस्ट लेने से ही आपके टूटे हुए वो मसल टिश्यूज अच्छे से रिकवर होते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब एक्सरसाइज करके आप अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक करते हो तब आपके मसल्स को सही से रिकवर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो उन 2 से 3 दिनों के दौरान आपको मसल्स को प्रॉपर रेस्ट और एक प्रॉपर और बैलेंस न्यूट्रिशन वाली डाइट देनी चाहिए, जिससे वो मसल्स पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर बन सकें। इसीलिए अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें और हफ्ते में 1 से 1 दिन का कंप्लीट रेस्ट आपको अपनी बॉडी को जरूर देना है, जिसमें आपको कोई वर्कआउट नहीं करना। साथ ही आप 7 से 8 घंटे वाली नींद रोजाना जरूर लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं और जो डाइट लेते हैं उसकी मदद से आपकी जो मसल्स की ग्रोथ होती है वो सोते वक्त ही होती है, ना कि जागते हुए। तो अगर आप अच्छी एक्सरसाइज और डाइट के बाद 7 से 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते तो आपकी जो मसल्स ग्रोथ होनी होती है सोते हुए वो सही से नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसी ही फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।